ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम भागवतम का दूसरा स्कंद सातवां अध्याय टेक्स्ट 43-45 देख रहे थे। तो ये तीन श्लोक एक साथ हैं, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। ओ नारद, ऑल्दो द पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड आर अनोबल एंड इमेजरेबल, स्टिल बिकॉज वी आर ऑल सरेंडर्ड सोल्स वी नो हाउ ही एक्ट्स थ्रू योग माया पोटेंसीज एंड सिमिलरली द पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑल्सो नोन टू द ऑल पावरफुल शिवा द ग्रेट किंग ऑफ द एथिस्ट फैमिली नेमली प्रहलाद महाराज स्वयंभू मनु हिस वाइफ शतरूप हिस सन्स एंड डॉटर्स लाइक प्रियव्रत उत्तानपाद आकुति देवहूति एंड प्रसूति प्राचीनी गर्भी रुभु अंग द फादर ऑफ वेन महाराज ध्रुव इक्ष्वाकु अइल मुचुकुंद महाराज जनक गादी रघु अम्बरीश सगर गय नाहूश मंदाता अलर्क शतधन्वे अनु रांतिदेव भीष्म बली अमूर्तया दिलीप सौबरी उत्कंत उतंक शिबी देवल पीपलाद सारस्वत उद्धव पराशर भूरिशेन विभीषण हनुमान सुखदेव गोस्वामी अर्जुन आरिष्टेन विदुर श्रुतदेव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हालांकि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, भगवान के लीलाओं का और गुणों का कुछ सीमा नहीं है, फिर भी जो भक्त भगवान का आश्रय लेता है पूर्ण रूप से, ऐसा भक्त भगवान को जान सकते हैं। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं, आप भी थोड़े हद तक जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शिव जी प्रहलाद स्वयंभू मनु प्रियव्रत उत्तानपाद देवहूति प्रसूति मुचुकुंद जनक महाराज इक्ष्वाकु भीष्म रांतिदेव बलि सौबरी शिबी देवल पीपलाद भूरिशेन हनुमान सुखदेव गोस्वामी अर्जुन विदुर एक्सेट्रा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट इसका तात्पर्य। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे वैज्ञानिकों को बहुत घमंड हो सकता है कि अपने इंद्रियों पे, पर अपने इंद्रियों से या अपने विज्ञान से भगवान को समझ नहीं सकते। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे ये दुनिया को ही वैज्ञानिक समझ नहीं सकते, भगवान को क्या समझेंगे। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, यहाँ पे इतना बड़ा लिस्ट आता है, तो किसी को लगना नहीं चाहिए कि जो भक्ति का मार्ग का पालन कर रहे हैं वो बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पे देखिए, इतने पूरे ब्रह्मांड में पूरे इतिहास में सबसे बुद्धिमान लोगों का यहाँ पे वर्णन है, सबसे संस्कृत लोगों का यहाँ पे वर्णन है। और ये सब लोग क्या करते हैं, अपने मन से स्पेकुलेट नहीं करते, तर्क विचार नहीं करते, क्या करते हैं,
कृष्ण का आश्रय लेते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम उड़मते संप्राप्ते सन्हीते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृन करणे। तो शंकराचार्य जिनका ज्ञान मार्ग है वो लोग बहुत शास्त्र पढ़ते हैं और ज्ञान के मार्ग से तर्क विचार करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो शंकराचार्य उनके अंतिम दिनों में ये गीत लिखते हैं और अपने शिष्यों को बता रहे हैं भज गोविंदम कृष्ण का भजन करो। हे मूढ़, आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हो कि अपने तर्क विचार से भगवान को जान पाओगे, पर भगवान को जानने का एक ही तरीका है भज गोविंदम कृष्ण का आश्रय लो, क्योंकि कृष्ण का आश्रय लेने से ही भगवान हमारी मदद कर सकते हैं और खासकर हमको मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं द सेम पर्सन देयरफोर सीजेस टू स्पेकुलेट ऑन सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हिज टाइनी ब्रेन एंड एज अ मैटर ऑफ कोर्स ही ट्राइज टू लर्न टू सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड हु अलोन कैन लीड वन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रियल नॉलेज। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण हम कल डिस्कस कर रहे थे, क्या लक्षण है? अपना बुद्धि का आश्रय नहीं लेता, कृष्ण का आश्रय लेता है। दैट इज इंटेलिजेंस। सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण का आश्रय ले रहा है। और कृष्ण का आश्रय लेने से ऐसे भक्तों को भगवान ज्ञान देते हैं। सततम भगवान गीता में बोलते हैं व्हाट इज दैट वर्स, तेषाम एवानुकम्पार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। तो भगवान बोलते हैं जो मेरा आश्रय लेता है तेषाम एवानुकम्पार्थम ऐसे भक्तों को मैं अपना अनुकंपा दिखाता हूँ ज्ञान दीपेन भास्वत, तो उनके हृदय में ज्ञान का जो प्रकाश है दीप है उसको ज्वलित में करता हूँ। तो कहने का मतलब है भगवान का आश्रय लेने से ऑटोमेटिकली नॉलेज आता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो कृष्ण का आश्रय लेने से वैराग्य भी आएगा ज्ञान भी आएगा। अलग सा ज्ञान उपलब्ध करने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो एक्चुअली अनपढ़ थे, उनको अपना सिग्नेचर भी लिखने को नहीं आता था उनका नाम, पर क्योंकि वो निरंतर भगवान का हरिनाम करते थे दिन रात हरिनाम करते थे, इसलिए वो जब शास्त्र बताते थे पूरा जो सरस्वती देवी है उनके मुख पे आ जाती थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण का आश्रय लिया है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है स्पेकुलेट नहीं करता, मुझे ये लगता है मुझे ये लगता है बोलता नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार है वही बात को दोहराता है। इन द उपनिषद्स इट इज क्लियरली सेड दैट द सुप्रीम पर्सन एंड गॉडहेड कैन नेवर बी नोन सिंपली बाय वर्किंग वेरी हार्ड एंड टैक्सिंग द गुड ब्रेन, नॉर कैन ही बी नोन सिंपली बाय मेंटल स्पेकुलेशन और बाय जगलरी ऑफ वर्ड्स। तो उपनिषद में वर्णन आता है कि भगवान को हम अपना बुद्धि का बहुत प्रयास करके तर्क विचार करके भगवान को समझ नहीं सकते। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे वो डॉक्टर फ्रॉग का है कि नहीं, एक ही कुएं में पूरा समुद्र कैसे आ सकता है? तो अपना बुद्धि का क्षमता कितना है? हम पूरे भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं बुद्धि के क्षमता से तो संभव नहीं है। सो देयरफॉर वी शुड स्टॉप मेंटल स्पेकुलेशन। द लॉर्ड इज नोन इज नोबल ओनली बाय वन हु इज सरेंडर्ड सोल। तो भगवान को कौन जान सकता है? जिसने भगवान का आश्रय लिया है वही भगवान को जान सकता है। जैसे सूरज है, सूरज डल गया रात के समय, आप टॉर्च लाइट लेके जाओ, बोलोगे मैं सूरज को ढूंढ के ही आऊँगा, अरे तुम कितना भी ढूंढ लो सूरज नहीं मिलने वाला। जब सूरज स्वयं से आएगा तभी आप देख पाओगे। इसलिए भगवान को अपने बुद्धि से हम प्रयास नहीं कर सकते पकड़ने का। भगवान कब आएंगे कब दर्शन देंगे? जब भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब हम भक्ति के भाव से भगवान का आश्रय लेते हैं। तृणादपि सुनीचे न तदोरिव सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। जो भक्त निरंतर, कौन भक्त भगवान का निरंतर हरिनाम कर सकता है? जो नम्र है, जिनके पास ज्ञान बहुत होता है घमंड आता है। तो भक्तों का एक लक्षण है नम्रता, जो नम्र है सहनशील है और ये भावना से भगवान का आश्रय लेता है,
ऐसा व्यक्ति भगवान को जान सकता है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, तो ब्रह्मा जी वही ब्रह्म संहिता में बताते हैं वेदेशु दुर्लभम, वेद के मार्ग से सिर्फ वेद पढ़ के भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, वही जो भगवान जो दुर्लभ है अदुर्लभ बन जाता है बहुत आसानी से समझ सकता है, कैसे? आत्म भक्तो, भक्ति के मार्ग से। हियरिन ब्रह्मा जी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मटीरियल लिविंग बींग्स एक्नोलॉजिस दिस ट्रूथ। तो यहाँ देखिए ये कौन, ये श्लोक कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, है कि नहीं? हमारा इतना छोटा सा मस्तिष्क, इतना छोटा सा ब्रेन है, उसमें ही हमको घमंड है। पर ब्रह्मा जी देखो पूरा शरीर उनका रक्त और मांस से नहीं बना है, पूरा शरीर बुद्धि से ही बना है, फुल शरीर इंटेलिजेंस से ही बना है, और वो भी एक सर नहीं उनके चार सर है। फिर भी क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बुद्धि से भगवान को जाना नहीं जा सकता। मैं भगवान को जानता हूँ क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को जान सकता है, यहाँ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। भगवान को कौन जान सकता है? जिसने भगवान का आश्रय लिया है। तो सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता क्या है? कृष्ण का आश्रय लेना। ये समझना कि हम बहुत छोटे हैं, अंडरस्टैंडिंग अ पोजिशन, हमारा स्तर समझना, हम बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत महान है, इसलिए मुझे भगवान का आश्रय लेना है। देयरफोर द फ्रूटलेस स्पॉइलिंग ऑफ एनर्जी परसुइंग द पाथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज मस्ट बी गिवन अप। इसलिए बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, है कि नहीं? वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्यों कर रहे हो? शास्त्र पढ़ो, है कि नहीं? ऑलरेडी वर्णन है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि रिसर्च में आप लोग टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, है कि नहीं? शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में सब कुछ है। तो रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, महान आचार्य ने रिसर्च किया है। अरे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है, वो उनका रिसर्च पेपर है। जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करके पेपर प्रेजेंट करते हैं ना, ब्रह्मा जी का रिसर्च पेपर है, प्रेजेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। ब्रह्मा जी से बुद्धिमान कौन व्यक्ति होगा? इसलिए हम रिसर्च करेंगे और फाइनली निष्कर्ष पर आएंगे कि भगवान महान है और उनका आश्रय लेंगे, तब तक जिंदगी चला जाएगा, है कि नहीं? जैसे शंकराचार्य के फॉलोअर्स जो ज्ञानी हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तर्क पढ़ते रहते हैं, शास्त्र, ग्रामर, संस्कृत, हम कंक्लूजन पे आएंगे कि भगवान कौन है। जब तक आप कंक्लूजन पे आओगे मृत्यु निकट आ जाएगा, इसलिए कंक्लूजन स्वीकार करो और सीधा कंक्लूजन पे एक्ट करो। समय बहुत कम है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। इसलिए कलयुग में सिर्फ हरिनाम, डोंट रिसर्च टू मच, हरिनाम मेथड है, सीधा मेडिसिन ले लो। देयरफोर इट इज फ्रूटलेस स्पॉइलिंग द एनर्जी इन परस्यूइंग द पाथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। इसलिए ये सब चीज़ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में एक्सपेरिमेंट करके फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। वन शुड गेन नॉलेज बाई सरेंडरिंग अन टू द लॉर्ड एंड बाई एक्नोलेजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन मेंशन्ड हियरिन। इसलिए ये तीन श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, उसको कोई व्यक्ति अच्छे से समझेगा, उसका जो जिंदगी का डिसीजन है बहुत अच्छा होगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं हमको ज्ञान उपलब्ध करना है भगवान का आश्रय लेके, और ये जो महान व्यक्ति हैं जिनका इतना बड़ा लिस्ट, ब्रह्मा जी इतना बड़ा लिस्ट क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? नारद मुनि को बोल सकते थे मैं बता रहा हूँ इसलिए आप पालन करो, पर ब्रह्मा जी इतना बड़ा लिस्ट दे रहे हैं ये बताने के लिए, देखो इतने बुद्धिमान लोगों ने कृष्ण का आश्रय लिया है, इनसे तो बुद्धिमान हम नहीं रहेंगे, है कि नहीं? अर्जुन, हनुमान जी, सुखदेव गोस्वामी, विदुर, उद्धव, इनसे तो हम बुद्धिमान नहीं है। ये सब लोगों ने कृष्ण का आश्रय लिया है, ध्रुव महाराज, रांतिदेव, भीष्म, बलि, तो इसलिए इंटेलिजेंस है, इनके मार्गदर्शन पे चलो। महाजनो ये न गतस्स पंत, द लॉर्ड इज अनलिमिटेड एंड बाय द ग्रेस ऑफ द योग माया helps the surrendered soul to know him proportionately with the advance of one's surrender. तो भगवान अनंत हैं, भगवान के लीलाओं का, गुणों का कुछ सीमा नहीं है, पर जितना भगवान का आश्रय लेंगे उतना भगवान को जान पाएंगे। ये यतामाम प्रपद्यन्ते ताम स्तैव बजाम्यहम्। इसको बोलते हैं proportionately, जितना हमारा सरेंडर रहेगा शरणागति भगवान के प्रति, उतना भगवान
अपना जो ज्ञान है हमको उपलब्ध कराएंगे. दैट वॉज 43-45 टेक्स्ट 46. ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देवमायां. स्त्रीशूद्रहूना शबर अपि पापजीवा. यदि अद्भुतकर्म क्रम प्रायणशील शिक्षास. तिर्यग जना अपि किं व्यु श्रुतधरनाये. What word? ते such persons, why undoubtedly विन्दन्ति do know, अतितरन्ति surpass, च also देव मायाम the covering energy of the Lord. स्त्री such as woman, शूद्र the laborer class of men, हून the mountaineers, Shabara, the Siberians, or those lower than Shudras, Api, also, Papa Jiva, sinful living beings, Yadi, provided, Adbhuta Krama, one whose acts are so wonderful, Prayana, those who are devotees, Shila, behavior, Shiksha, trained by, Tiryak Jana, even those who are not human beings, Api, also, Kim, what, who, to speak of, Shruta Dharana, those who have taken the idea of the Lord by hearing about Him, ye those. Translation is prakar hai. Surrendered souls, even from groups leading sinful lives, such as women, laborer class, mountaineers and the Siberians, or even the birds and bees, can also know the signs of Godhead and become liberated from the clutches of the illusory energy by surrendering unto the pure devotees of the Lord and by following in their footsteps in devotional service. तो कोई बोल सकता है ब्रह्मा जी ने पिछले तीन श्लोकों में इतना बड़ा लिस्ट दिया है जो भगवान को जान सकते हैं, जो महान भक्तों ने भगवान का आश्रय लिया है. तो कोई बोलेगा हम तो इतने महान नहीं हैं, हमारा कुछ आशा है क्या, हमारा कुछ होप है क्या? तो उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं जो भी भगवान का आश्रय लेगा, उसका योनि कौन सा भी हो, स्त्री के जन्म में हो या शूद्र के जन्म में हो या माउंटेनियर्स हून जो पहाड़ पर रहते हैं, आदिवासी हैं, साइबेरियंस शबर, साइबेरियंस मतलब जो वर्णाश्रम के बाहर भी आते हैं, ब्लेच और यवन है, मनुष्य का भी शरीर छोड़ो, अगर कोई पशु के योनि में है, पंक्षी के योनि में भी है, ऐसा व्यक्ति का भी मुक्ति हो सकता है, माया से छुटकारा पा सकता है अगर वो भगवान का आश्रय लेगा, भक्तों के माध्यम से, भक्तों के संग से और भक्ति का मार्ग पालन करते हुए भगवान का आश्रय लेगा. तीर्यक जना अपि किम उ श्रुत धारणा, ये मतलब जो भगवान का हरि नाम का आश्रय लेते हैं, श्रवण कीर्तन का आश्रय लेते हैं, ऐसा व्यक्ति भी अपने पापों से माया से छुटकारा पा सकते हैं. मतलब प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति भगवान का आश्रय ले सकता है. कोई बोल नहीं सकता मैं इतना पापी हूँ भक्ति कर ही नहीं सकता, नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप कितना भी पाप किया हो हर एक व्यक्ति भक्ति का मार्ग स्वीकार कर सकता है. सो ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रैकेट इंक्लूड कर दिया सबको, मनुष्य छोड़ो पशु पंक्षी भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं अगर वो अच्छे से भगवान का आश्रय लेंगे. परपोट, समटाइम्स देर आर इंक्वायरीज as to how one can surrender unto the Supreme Lord. तो बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं भगवान का आश्रय कैसा लेना है, how to surrender. मुझे याद है बहुत साल पहले, शायद 2000 में मैं शायद 11th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में था, उस समय राधानाथ स्वामी महाराज आए थे गोवा, तो हमारे पौंडा में छोटा सा एक सेंटर था, तो मैं उस समय बहुत लेक्चर सुनता था, तो हर एक लेक्चर में मैं सुनता था सरेंडर, सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा. तो मेरा महाराज जब आए, छोटा सा एक 50 डिवोटीज थे उस समय, तो महाराज क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, तो मैंने महाराज को यही प्रश्न पूछा, शरणागत का मतलब क्या है, सरेंडर सरेंडर सुनते रहते हैं, सरेंडर का मतलब क्या है? तो प्रभुपाद यहाँ पे वही लिख रहे हैं, समटाइम्स देयर आर इंक्वायरीज हैज टू हाउ वन कैन सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड. तो बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि भगवान का आश्रय कैसे लेना है.
इन भगवद गीता 18.66 द लॉर्ड आस्क्ड अर्जुना टू सरेंडर अन टू हिम एंड देयरफॉर पर्संस अनविलिंग टू डू सो क्वेश्चन वेदर गॉड इज एंड हुम दे सरेंडर हुम दे शुड सरेंडर. तो भगवान ने गीता में बोला है 18 अध्याय में 66 श्लोक कि आप मेरा आश्रय ले लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज. पर जो लोग भगवान का आश्रय लेना नहीं चाहते हैं उन लोगों का ये प्रश्न रहता है, भगवान है क्या, भगवान का भगवान के प्रति शरणागत होना है क्या, शुड बी सरेंडर. तो प्रभुपाद एक बार बहुत सारे फिलोसोफर्स वैज्ञानिक थे अमेरिका में, एक बगीचे में बैठ के प्रभुपाद उनसे डिस्कस कर रहे थे. तो प्रभुपाद उनको समझा रहे थे अगर आप कृष्ण का आश्रय नहीं लेंगे, कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मृत्यु के समय स्वीकार करना पड़ेगा. अभी आप बोलोगे मैं सर नहीं झुकाऊंगा भगवान के सामने, तो मृत्यु के सामने कंपल्सरली सर झुकाना पड़ेगा, है कि नहीं. तो इसलिए इंटेलिजेंस है, जब बुद्धि है, शरीर है और स्वास्थ्य है, तभी यह सर भगवान के सामने झुकाना. इसलिए कृष्ण गीता का ये जो श्लोक दो बार बोलते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बोलते हैं मेरा स्मरण करो और मुझे नमस्कार करो. नमन करना मतलब जो नम्र है वही व्यक्ति अपना जो सर है भगवान के पैर पर रख सकता है, चरण कमल में. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सरेंडर. द आंसर टू सच क्वेश्चंस और इंक्वायरीज इज गिवन हियर एंड वेरी प्रॉपरली. तो जिन लोगों को ये प्रश्न है कि कृष्ण का आश्रय लेना है क्या और कैसे लेना है, उसका उत्तर यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं. द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मे नॉट बी प्रेजेंट बिफोर वन साइज बट इफ वन इज सिंसियर इन वॉन्टिंग सच गाइडेंस द लॉर्ड विल सेंड अ बोनाफाइड पर्सन हु कैन गाइड वन प्रॉपरली बैक होम बैक टू गॉड हेड. तो ये बहुत सुंदर है. हम भगवान को अपने आंखों से देख नहीं सकते, अधोक्षज, क्योंकि हमारे इंद्रियों से परे है, हमारे भौतिक इंद्रियों से भगवान को हम देख नहीं सकते. तो जिस भगवान को हम देख नहीं सकते उनका आश्रय कैसे लें, और जब आश्रय लेंगे उनका हमारे लिए क्या उपदेश है कैसे समझ में आएगा, हाउ विल वी अंडरस्टैंड. इसलिए भगवान का आश्रय लेना मतलब भगवान के भक्तों का आश्रय लेना. इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताते हैं भक्ति के. पहला 3 अंग है भक्तों का आश्रय, गुरु का आश्रय, गुरु का चरण कमल का आश्रय लेना, श्री कृष्ण शिक्षादि दीक्षणम, उनसे दीक्षा स्वीकार करना, विश्रम्भेन गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना. तो ये सब जब हम गुरु का आश्रय लेंगे, गुरु हमको कृष्ण की ओर कनेक्ट करेंगे. ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज. तो ये नहीं बोला जाता कि कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कृष्ण की कृपा से किसी को भक्ति का बीज नहीं मिलता, गुरु और कृष्ण के कृपा से. तो कृष्ण का कृपा कब आता है, जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं. और गुरु का आश्रय कैसे लेना है, पहला प्रॉपर यहां पे लिख रहे हैं, इफ वन इज सिंसियर इन वॉन्टिंग सच गाइडेंस, अगर कोई प्रामाणिक है, इफ वन इज वेरी सिंसियर. आप राधानंद महाराज का ये किताब पढ़ोगे जर्नी होम, तो आप देखोगे स्टोरी लाइन ऐसा है कि 19 साल का लड़का अमेरिका का, राइट, भगवान कौन है पता नहीं, कृष्ण का तो कभी जिंदगी में नाम सुना ही नहीं उसने, घर से निकला भगवान को ढूंढने के लिए, कैसा पहुंच के कृष्ण का आश्रय लिया उन्होंने वृंदावन में, वो भी आके प्रभुपाद का आश्रय लिया. बहुत अचरज की कहानी है, पर ये कहानी सबकी है. क्यों, क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज, ये जो लड़का था रिचर्ड स्लेवन, उसमें प्रामाणिकता था, सिंसियरिटी, भगवान कौन है जानता नहीं था, भगवान का आश्रय कैसे लेना है जानता नहीं था, पर उसके पास क्या था, सिंसियरिटी, प्रामाणिकता, वो भगवान को जानना चाहता था, भगवान का आश्रय लेना चाहता था, इसलिए भगवान ने उसको गाइड किया और सही गुरु के संगति में वो आ गया. इसलिए अगर कोई बहुत प्रामाणिक है और भगवान का आश्रय और भगवान का जो संदेश सुनना चाहता है उसकी ज़िंदगी में, तो भगवान उसके लिए किसको बेचते हैं, अपने प्रतिनिधि को बेचते हैं, बोलते हैं जाओ इसका मदद करो. ध्रुव महाराज की कहानी हम देख रहे थे, ध्रुव महाराज जब उनकी माँ बोलती है वन में जाके तपस्या करो भगवान मिलेंगे, ध्रुव महाराज जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, पर बीच में कौन मिलता है उनको,
नारद मुनि मिलते हैं, तो नारद मुनि को कौन बेचता है? कृष्ण, क्योंकि ध्रुव महाराज के हृदय में परमात्मा के रूप में है, नारद मुनि के हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो कृष्ण कनेक्शन लगाते हैं, देखो ये मुझे ढूंढ रहा है, आप जाके उसको उपदेश दो। तो नारद मुनि आके मिलते हैं। व्यासदेव जब उन्होंने सब वेद लिखे फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, उसी समय नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि को कौन बेचते हैं? नारद मुनि को कैसा पता अभी व्यासदेव को प्रॉब्लम है? क्योंकि कृष्ण कनेक्शन लगा रहे हैं परमात्मा के रूप में, राइट? तो इसलिए फर्स्ट है कृष्ण के साथ प्रामाणिकता, बीइंग वेरी सिंसियर। जब हम बहुत प्रामाणिक रहेंगे कृष्ण हमारे लिए अपने भक्तों को भेजेंगे, और भक्त आके हमको मार्गदर्शन देंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, भक्ति का मार्ग है ऐसा पालन करो। देर इज नो नीड ऑफ मटीरियल क्वालिफिकेशन फॉर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो भौतिक गुणों की जरूरत नहीं है। कोई बोल नहीं सकता मुझे, मेरा जन्म ऊंचे कुल में नहीं हुआ है, मुझे संस्कृति नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं शूद्र, शूद्र छोड़ो, कोई म्लेच्छ है, यवन है, पशु है, पंछी है, ऐसा भी व्यक्ति भगवान का भक्ति का मार्ग का पालन कर सकता है। कोई बुद्धि के बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि गजेंद्र कौन सा बुद्धिमान था? हाथी के पास, प्राणी के पास कौन सा बुद्धि होता है? सुंदरता कहाँ होती है? तो ये सब क्वालिफिकेशन है ही नहीं भगवान की भक्ति करने के लिए, नो क्वालिफिकेशन। तो आप देखोगे ये सब कैटेगरी में ये जो वर्णन कर रहे हैं, स्त्री शूद्र हून शबर अपि पाप जीवा यदि अद्भुत क्रम परायण शील शीकास। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं हरेक कैटेगरी के महान भक्त हैं। पशु योनि में कौन है? हनुमान जी है, बंदर है, बंदर के योनि में फिर भी नंबर वन भक्त। पंक्षी के योनि में गरुड़ जी हैं, भगवान के जो पर्सनल पार्षद हैं गरुड़ जी। शूद्र के योनि में विदुर जी हैं, शूद्र के जन्म में उनका शूद्र के परिवार में उनका जन्म हुआ, फिर भी महान भक्त हैं। इसलिए देर इज नो नीड ऑफ मटीरियल क्वालिफिकेशन। आपका जन्म कौन सा भी हो, बुद्धि हो नहीं हो, हर एक व्यक्ति भगवान का भक्ति स्वीकार कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? प्रामाणिकता, सिंसियरिटी चाहिए बस। इन द मटीरियल वर्ल्ड व्हेन वन एक्सेप्ट्स सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस ही इज रिक्वायर्ड टू पोजेस सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन ऑल्सो। तो अगर ये भौतिक दुनिया में आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो क्या देखते हैं? पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे, है कि नहीं? आपका बायोडाटा देखेंगे। क्वालिफाइड नहीं है तो स्वीकार नहीं करेंगे, कोई बोलेगा नहीं ठीक है तू जैसा भी है आ जा, कोई ऐसा नहीं करेगा। पर देखो भगवान कितने महान हैं कि किसी भी व्यक्ति को लेने के लिए तैयार है। विदाउट दिस वन इज अनफिट फॉर सच सर्विस। तो साधारण बॉस की सेवा करने के लिए भी क्वालिफिकेशन लगता है, पर सबसे महान बॉस भगवान श्री कृष्ण द्वार खोल के बैठे हैं, आप जैसे भी हो आ जाओ। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष स बाह्य अंतरंग सूचि। पवित्र हो अपवित्र हो, कैसा भी अवस्था आपका, आप मेरे पास आ जाओ। बट इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज सरेंडर। तो भगवान की भक्ति में लेने के लिए भगवान भौतिक क्वालिफिकेशन नहीं देखते, कौन सा जन्म में पैदा हुए हो, बुद्धि है कि नहीं, क्या है, रूप है कि नहीं, सुंदरता है कि नहीं, पुरुष है कि स्त्री है, ये सब क्वालिफिकेशन भगवान देखने वाला नहीं है। भगवान एक ही क्वालिफिकेशन देखते हैं, वो क्या है? अगर हम प्रामाणिक हैं और हमने भगवान का आश्रय लिया है कि सरेंडर। जब विभीषण आते हैं भगवान राम का आश्रय लेने के लिए रामेश्वरम में, तब उस समय विभीषण अपने मंत्रियों के साथ, तीन मंत्रियों चार मंत्रियों के साथ हवा में रुके हैं, भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं? देखो विभीषण ने कितना बड़ा रिस्क लिया उनकी ज़िंदगी में, रावण को छोड़ दिया, यहाँ पर आके हवा में लटके हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं मिला तो वहाँ पे भी नहीं जा सकते, वहाँ एंट्री बंद कर दिया, वहाँ डोर क्लोज कर दिया, यहाँ पे वीज़ा नहीं मिला तो बीच में ही अटकेंगे, इतना बड़ा रिस्क लेके आए विभीषण। और विभीषण वहाँ से अपने मंत्री को भेजते हैं और बोलते हैं कि राम का आश्रय लेने के लिए आया हूँ। तो समय राम बाकी बंदरों को पूछते हैं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हर एक बंदर अपना राय देता है। एक बंदर बोलता है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, रावण का खून है, खून कभी बदलता नहीं है, राइट? असुर का खून है, इसमें वृत्ति कभी बदलेगा नहीं, बिल्कुल मत लो।
एक बंदर बोलता है लेना चाहिए, एक चांस दे देते हैं, पर कड़ी नजर रखेंगे, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा ऑन रखेंगे, देखेंगे। जैसे जॉब में होता है ना, प्रोबेशन पीरियड होता है, 3 महीना ऑब्जर्व करते हैं, तो 1 महीना देखेंगे बराबर काम कर रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, अंदर ले लेंगे रोल में, नहीं तो छोड़ देंगे। हाँ, तो ऐसा अलग अलग लोग बोल रहे हैं। तो समय हनुमान जी बोलते हैं निश्चित रूप से उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक ही व्यक्ति है जो लंका जाके आए थे, और हनुमान जी ने देखा विभीषण का सरेंडर कितना था, है कि नहीं। इस्कॉन मंदिर में बैठ के भक्तों के संग में हमको भक्ति मुश्किल हो रहा है, विभीषण कहाँ भक्ति कर रहे थे, लंका में, रावण के लंका में, वहां बैठ के भक्ति कर रहे। तो हनुमान जी ये देख के आए और राम को बोले निश्चित रूप से उसको लेना चाहिए। तो उस समय राम बोलते हैं विभीषण जोड़ो, रावण भी आएगा मेरे पास, मेरा आश्रय लेगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। सकृदेव प्रपन्नोयम् तमास्मि इति याचते, अभयम् सर्वदा तस्मै ददाम्येतद् व्रतम् मम। मेरा ये व्रत है, आप सब लोग सुनो, कि कोई भी एक बार बोलेगा कि भगवान मैंने आपका आश्रय लिया है, ऐसा व्यक्ति को अभयम् सर्वदा तस्मै, ऐसा व्यक्ति को निरंतर मैं अभयदान उसकी रक्षा करूंगा। तो भगवान राम विभीषण का हिस्ट्री नहीं देखते, अरे हिस्ट्री बताओ, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो तभी मैं तुमको लूंगा, नहीं, जैसा भी है आ जाओ। अगर आपने भगवान का आश्रय लिया है, पिछले रिकॉर्ड कोई देखता नहीं है। आजकल कोई मुझे बता रहा था, जॉब में भी जाना है ना, कहीं गवर्नमेंट जॉब पाना है या किसी कंपनी में जॉब पाना है, आपके ऊपर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, कोई आपको जॉब में नहीं लेगा, और वो जो रजिस्टर्ड केस है गलत है कि सही है, एक बार रजिस्टर हुआ आपके ऊपर कंप्लेंट, FIR फाइल हुआ पुलिस स्टेशन में, कोई आपको जॉब में नहीं लेगा। तो भगवान देखिए कितने महान है, आपका हिस्ट्री कौन सा भी है, कौन सा भी कार्य किया आपने, पर अभी से आप भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। बट इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड द ओनली क्वालिफिकेशन इज सरेंडर, सरेंडरिंग वन सेल्फ इज इन वन ओन हैंड। तो ये जो शरणागति है किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है, कौन से कुल में जन्म लिए हैं ये सब का हमारा कंट्रोल शायद नहीं है, पर अभी हम क्या करेंगे, भगवान का आश्रय लेना है कि नहीं, वो हमारे हाथ में है। तो अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे तुरंत हमारा भक्ति का मार्ग शुरू हो सकता है। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, इफ वन लाइक्स ही कैन सरेंडर इमिजिएटली विदाउट डिले एंड दैट बिगिन्स स्पिरिचुअल लाइफ। तो किसी का इच्छा है तो तुरंत चेंज कर सकता है अपना जिंदगी, कैसे, इमीजिएटली। इसलिए कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तोम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप डरो मत, निश्चित रूप से बिना भय का मेरा आश्रय ले लो, संकोच मत करो, आपका जो प्रगति है आध्यात्मिक जीवन है तुरंत शुरू होगा। तो इसके आगे का जो तात्पर्य है हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।